So, how are you all? So, as you all know, myself Abhishek Dubey, and here I am discussing the Bihar PCS mains previous year question, right? And अब तक हमने क्या किया, कितना चीज, क्या पोर्शन कवर्स किए हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ ले लेते हैं। तो हमने जीएस पेपर वन, जीएस वन का जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला मेजर सेक्शन है वो कवर कर लिया है, एंड सॉरी ट्राइबल रिवॉल्ट्स और क्या प्लस आर्ट एंड कल्चर एंड 1857, ठीक है। जो इनमें मेजर क्वेश्चंस थे, इन सारे तीनों टॉपिक्स में जो मेजर सेक्शंस थे वो कवर किए जा चुके हैं, और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको मैंने आपसे बोला था कि आपकी अगली क्लास में वो चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी, ठीक है। जैसे 1857 में हमने 1857 कवर किया, कुंवर सिंह को हल्का सा देखा है, 1857 इन बिहार हल्का सा देखा है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर में हमने क्या किया था, आर्ट एंड कल्चर में हमने पाला आर्ट, पटना कलम एंड मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन, ये तीन पोर्शंस कवर किए थे, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इन्हीं तीन से, ठीक है। तो अगर ये भी तीन आप कवर करते हैं तो आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स छूटते हैं और उनको हम अनटच्ड नहीं रहना देना चाहते हैं, कि कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने कहा कि कवर नहीं करवाया गया है। ये जैसे आप देख रहे हैं मिथिला या मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है बिहार रीजन की, एंड वन ऑफ द एंशियंट पेंटिंग ऑफ बिहार, ठीक है। तो एंशियंट पेंटिंग में दो, एक तो मंजूषा आर्ट है, मंजूषा एंड मधुबनी, ठीक है, ये दोनों आर्ट फॉर्म्स जो हैं बिहार के अलग अलग रीजन से हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आपका बिहार है, ठीक है, तो ये नॉर्दर्न बिहार जो है और नेपाल वाला रीजन, मिथिलांचल वाला रीजन, ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग का सेंटर है या मिथिला पेंटिंग का सेंटर है मधुबनी का। और ये वाला जो रीजन है भागलपुर वाला, जिसको और क्या कहते हैं, अंगिका रीजन, अंगिका, ये मंजूषा आर्ट वाला रीजन है, ठीक है। और एक आप फॉर्म जानते हैं कि कौन सा, टिकुली आर्ट। टिकुली किसको कहते हैं, जो बिंदी औरतें लगाती हैं उनको टिकुली कहते हैं। टिकुली आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार इज मोर देन 800 ईयर ओल्ड, ठीक है, मुगल पीरियड में फ्लरिश था, उसके बाद ब्रिटिशर्स जब आए, ठीक है, फ्लरिश्ड कब था, मुगल पीरियड में ब्रिटिशर्स जब आए तो इसका डिक्लाइन चालू होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल बिंदीज जो है वो बनने लगे, ठीक है। तो इसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस पे क्या है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डिस्कस द मेन फीचर्स और क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं आएगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। टिकुली आर्ट पे इसको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इन तीनों पोर्शंस को भी कवर किया जाएगा। बात करें मधुबनी आर्ट की, तो मधुबनी आर्ट डेटा नहीं मिला, रिकॉर्ड नहीं मिला सॉरी, लेकिन बीपीएससी ने मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर 67th बीपीएससी मेंस, बीपीएससी मेंस, ठीक है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, मधुबनी आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार, मंजूषा आर्ट फॉर्म एंड टिकुली आर्ट फॉर्म, तीनों आर्ट फॉर्म देखेंगे। कल वाली जो आपकी क्लास होगी उसमें 1857 का जो है रोल ऑफ कुंवर सिंह, रोल ऑफ कुंवर सिंह, ठीक है, 1857 इन बिहार, बिहार स्पेसिफिक होके देखा जाएगा, ठीक है, और क्या देखा जाएगा, रोल ऑफ प्रेस एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ठीक है, प्रेस एंड वेस्टर्न एजुकेशन वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है, रोल ऑफ प्रेस एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन इज टेक्निकल एजुकेशन,
ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, छोटी छोटी टॉपिक्स ली जाएंगी क्योंकि इनका मेजर पोर्शन जो है वो कवर कर दिया गया है, तो मेजर पोर्शन वही टेक्निकल एजुकेशन आपको अलग से उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कल की क्लास में होगी। इसी के साथ अगर ये कल जो पूरा कवर होता है इसके साथ हमारा मेजॉरिटी जो पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर पूरा ख़त्म है। ठीक है, 1857 पूरा ख़त्म हो जाएगा कल, 1857 पूरा ख़त्म हो जाएगा। और क्या, ट्राइबल रिवॉल्ट्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, ट्राइबल रिवॉल्ट्स। ठीक है, एक चीज़ पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी, तो हमने ट्राइबल रिवॉल्ट करवाया था क्या क्या, बिरसा और संथाल, आपको बिरसा एंड संथाल। ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं पूछा रहा है व्हाट वर द मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द रिवॉल्ट्स इन बिहार, ठीक है, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछा जाता है 19th सेंचुरी के रिवॉल्ट का जो बिहार में हुए, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है लगभग सबका सेम है। ठीक है, चाहे बिरसा का ले लीजिए, संथाल का लीजिए, थोड़े थोड़े जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर 19th सेंचुरी एज एन होल लिखेंगे तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जमींदारी शुरुआत में जमींदार एंड महाजन्स के अगेंस्ट था, महाजन्स के, ठीक है, महाजन्स के अगेंस्ट था बिगनिंग में। ठीक है, उसके बाद जैसे ये इन्होंने शुरू में क्या दिया कि जो इमीडिएट ऑपरेशंस थे उनको जो है अपना दुश्मन माना, लेटर ऑन ये ब्रिटिशर्स को पहचानते हैं, यहाँ पे इनका फोकस जाता है, कब जाता है, लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब बिरसा वाला जो मूवमेंट था इस समय इनका जो मेन दुश्मन था वो ब्रिटिश हो गए थे। ठीक है, इनको पता था, लेकिन अगर संथाल की बात करें, उससे पहले पहाड़ियाज की बात करें, पहाड़ियाज को तो पता ही नहीं, पहाड़ियाज किसके खिलाफ लड़ रहे थे, पहरियाज जैसे आप देखेंगे तो ये संथाल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, संथाल से और इनका काफ़ी लंबा फ्यूड चला है ना, पहरियाज का एंड संथाल्स का, तो वही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे, हल्का सा उसको बता दिया जाएगा। तो कल ये वाले पोर्शंस आपके ख़त्म हो जाएंगे और कल से हम चालू करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल क्या क्या बच रहा है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसान मूवमेंट इन बिहार, किसान मूवमेंट प्लस किसान मूवमेंट के साथ इसमें स्वामी सहजानंद का रोल। ठीक है, थ्री थॉट्स ऑफ गांधी, नेहरू एंड टैगोर, व्हाट वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देयर थॉट्स। ठीक है, क्या क्या था ये इंपॉर्टेंट है, और फ्रीडम मूवमेंट वाला उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट और कौन सा स्वदेशी आंदोलन, ये बिहार स्पेसिफिक होके सब पढ़ा जाएगा, क्विट इंडिया, स्वदेशी, चंपारण। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्विट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि क्विट इंडिया में बिहार का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। दो 1920 और 30 वाले मोमेंट भी डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा क्विट इंडिया पे रहेगा, स्वदेशी पे रहेगा और चंपारण पे रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज हम कहाँ से, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मधुबनी आर्ट फॉर्म। तो मधुबनी आर्ट फॉर्म के बारे में हमने आपको आउटलाइन बता दी है कि कौन सा रीजन है, तो मिथिलांचल वाला रीजन। तो मिथिलांचल रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सबसे पहले मिथिलांचल या मिथिला रीजन कह दीजिए, मिथिलांचल लीजिए संस्कृत टर्म, मतलब मिथिला वाला, मिथिला के अंचल वाला क्षेत्र। ठीक है, मिथिलांचल इसमें आपका दरभंगा, मेन तो मधुबनी है, ठीक है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, पार्ट्स ऑफ समस्तीपुर एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ नेपाल, दिस इज द मिथिला रीजन। मिथिला रीजन मीन्स द रीजन ऑफ जनका, क्या, रीजन ऑफ किंग जनक। जनक वॉज द फादर ऑफ सीता, द सीता द वाइफ ऑफ राम। ठीक है, तो अगर हम माइथोलॉजिकल ट्रेसिंग में जाएं, ठीक है, तो इसको इंट्रो में तो लिख सकते हैं ना, एज पर द सेइंग्स। ठीक है, ऐसे मत लिख देना डायरेक्ट
कि हिस्ट्री ऑफ मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग गोज बैक टू द पीरियड ऑफ सीता. नो, नॉट लाइक दिस. ठीक है, एज पर द सेइंग्स. ठीक है, हमें मे बी और इस तरह से आंसर देने हैं जब भी माइथोलॉजी की बात आ जाए. माइथोलॉजी और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो उसको हम मे बी और इस तरह से कुछ करेंगे. तो एज पर द सेइंग्स मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं लोगों के कथन के अनुसार. आपका कथन कुछ नहीं है. एज पर द सेइंग्स द हिस्ट्री ऑफ मधुबनी पेंटिंग डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ रामायणा. रामायण, रामायण में ही तो सीताराम सब थे. ठीक, यहां से हम इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं. दिस कुड बी ए प्रॉपर इंट्रो. ठीक है, द ओरिजिन ऑफ मधुबनी पेंटिंग एसोसिएटेड विद मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल. ठीक है, जो मैंने रीजन आपको बताया. इट इज बिलीव दैट. ठीक है, क्या इट इज बिलीव दैट दिस. ये भी एक तरीका हो सकता है दैट दिस पेंटिंग फॉर्म वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन द मैरिज ऑफ सीता. सीता वॉज द डॉटर ऑफ जनक. ठीक है, उनकी शादी में पहली बार प्रैक्टिस किया गया. ठीक, सो द सीन्स ऑफ रामायणा इज वेरी कॉमन टू मधुबनी पेंटिंग्स इन. ये टू लगाना, इससे इन मधुबनी पेंटिंग्स इज मोर गुड. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मधुबनी और मिथिला आर्ट, बट देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन मधुबनी पेंटिंग एंड मिथिला आर्ट. व्हाट इज दैट डिफरेंस, एनीवन कैन टेल? नो, नहीं ना. चलिए, लोग इसको बोल देते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज मधुबनी और मिथिला आर्ट, बट ज्यादातर जगह पे आपको विकीपीडिया में भी लिखा दिख जाएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज मधुबनी पेंटिंग और मिथिला आर्ट, बट देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस. ठीक है, द आर्ट फॉर्म वॉज अकॉर्डेड जीआई टैग इन 2007. जीआई टैग क्या है भाई? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतकांक. ठीक है, इससे क्या होता है, किसी भी रीजन के किसी प्रोडक्ट को एक स्पेशल क्या मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है या पहचान मिलती है. ठीक है, कि ये इस रीजन का ये प्रोडक्ट है. ठीक है, कौन देता है जीआई टैग, ये बताइए कमेंट में. ठीक, कितने सालों के लिए मिलता है? 10 वर्ष के लिए मिलता है, उसके बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, या तो कोई और भी ले सकता है अगर उसको यूनिकनेस को वो प्रूव कर पाए. ठीक है, चलिए, हेड ऑफिस कहाँ है ये भी कमेंट में बताइए. प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, जैसे अभी रिसेंट में बिहार के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, तो दैट वाज कौन से प्रोडक्ट को मिला था, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स भी तो आने वाला है ना भाई, तो कौन से प्रोडक्ट को मिला था जीआई टैग, दैट वाज मिथिला मखाना. ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर भी देखते चलेंगे साथ में. बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना एंड मिथिला मखाना गॉट जीआई टैग इन 2022. ठीक है, चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट आपका वो हो गया. और मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ है बिहार में, तो दरभंगा में है. तो यानी मिथिला मखाना से आप नाम समझ रहे हैं, मिथिला वाला रीजन है तो दरभंगा में है. ठीक है, दिस इज योर करंट अफेयर क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव. ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रो हो गया एंड इट सीम्स क्वाइट गुड एंड हेल्दी. ओके, सो दिस इज द मधुबनी पेंटिंग. आप देख रहे होंगे कि इसमें तीन बेसिक कलर्स का यूज हुआ है. व्हाट आर द कलर्स, कौन कौन से हैं भैया? तो वन इज ब्लू, दैट इज क्लियरली विजिबल, ब्लू, रेड एंड ग्रीन. सो थ्री बेसिक कलर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज ब्लू, रेड एंड, यार मेरा थोड़ा एंड ग्रीन. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दीज आर द बेसिक कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स. ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मधुबनी पेंटिंग और आर्ट. ट्रेडिशनली मतलब जो शुरू में पेंटिंग्स प्रैक्टिस की जाती थी ट्रेडिशनली. ठीक है, द मधुबनी पेंटिंग वर क्रिएटेड यूजिंग फिंगर्स.
उंगलियों से बनाई जाती थी। किस पे बनाई जाती थी? दीवालों पे, ठीक। फिंगर्स एंड ट्विंग्स स्पेशली बाई वुमेन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, ठीक है। मड हाउसेज होते थे, मिट्टी के बने जो वॉल्स होते थे उनमें पेंटिंग बनाई जाती थी। दैट पेंटिंग वॉज मेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस, दैट वॉज प्लास्टर ऑफ राइस। राइस का प्लास्टर होता था, उससे बनाई जाती थी। फिर उसमें कलर्स ऐड किए जाते थे, कलर भी नेचुरल ही होते थे, ठीक है। और हाथों से, या एक ब्रश होता था, ब्रश से। एंड आइटम्स लाइक मैस्टिक्स हैव कम टू बी यूज्ड इन देयर क्रिएशन इन रिसेंट टाइम। तो माचिस का यूज करने लगे और भी सारी चीजें आ गई। शुरू में इन ट्रेडिशनली, ठीक है, शुरुआत में क्या है, सिर्फ वुमेन्स के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, और वुमेन्स के द्वारा वो भी एक पर्टिकुलर रीजन में। बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं है पेंटिंग, ये भी ध्यान लीजिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन में अभी भी प्रैक्टिस उसी रीजन में होती है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होती, ठीक है। बाहर हो रही है, एग्जीबिशंस में जा रही है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो उसके प्रोपोनेंट हैं, ठीक है, प्रोपाउंडर्स हैं, वो वहीं के हैं। दो टूडे मेन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू मीट द डिमांड ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। चलिए, द ट्राइबल मोटिफ, मतलब इसके ट्राइबल मोटिव्स इसके मेन जो है फीचर है। यूज ऑफ ब्राइट हल्दी कलर्स मेक दिस आर्ट फॉर्म वेरी फेमस एंड यूनिक, ठीक है। चलिए, ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम देख रहे हैं, दो पार्ट्स देखे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। मिथिला पेंटिंग वर्सेस मधुबनी आर्ट। आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू गाइस कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिथिला पेंटिंग एंड मधुबनी आर्ट। सो आई सेड अर्लियर दैट वॉज देयर वॉज अ देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्ट फॉर्म्स। बेसिकली दिस इज सिंगल आर्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर मधुबनी आर्ट है, ठीक है, और मिथिला पेंटिंग है, सॉरी, ये मधुबनी पेंटिंग या मिथिला आर्ट फॉर्म, तो ये लार्ज एरिया कवर करता है और वो सिर्फ पेंटिंग कवर करता है। ट्रेडिशनली प्रैक्टिस एज अ वॉल आर्ट फॉर्म, फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, ठीक, ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ द हट्स थ्रू आउट द रीजन, मिथिला रीजन, रीजन मीन्स, ठीक है। बट इन रिसेंट टाइम्स पेंटिंग ऑन क्लॉथ पेपर कैनवस, ठीक है, सेटिंग इट्स फूट, मतलब वाइडली प्रैक्टिस कर रहे, और भी मीडियम्स पे प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है। क्लॉथिंग वगैरह पे, जैसे स्क्रॉल पेंटिंग्स की तरह की जा रही, साड़ियों पे की जा रही, दरियों पे की जा रही, चद्दर पे की जा रही है, ठीक है, स्टॉल्स पे की जा रही है, अलग अलग जगह पे पेंटिंग, सब आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। बट ट्रेडिशनली ऑन फ्रेशली, सॉरी, फ्रेशली प्लास्टर्ड, ये प्लास्टर किससे किया जाता था? मड वॉल होती थी, राइस के प्लास्टर से प्लास्टर किया जाता था, फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल पे की जाती थी, ठीक है। फिर उसमें जो है कलर फिलिंग होती थी, ठीक। चलिए, इस तरह से, एंड इट इज दीज लेटर डेवलपमेंट दैट लेड टू द टर्म मधुबनी आर्ट। जो ये सारे फॉर्म्स हैं, जैसे स्टॉल्स, ठीक है, और क्या, हैंडकरचीफ्स पे और रुमालों पे, स्टॉल्स पे, बेडशीट्स पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, मतलब बहुत सारे मीडियम्स पे की जाती है। तो इन सारे मीडियम्स पे जो पेंटिंग सारा आर्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? मधुबनी आर्ट। लेकिन इससे पहले जो सिर्फ होता था दीवालों पे या मड वॉल्स पे, दीवालों पे मतलब मड वॉल्स पे, ठीक है, और रंगोली की तरह भी, एरिपन उसको बोलते थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग, वन इज वॉल पेंटिंग, स्टाइल पांच हैं, टाइप्स टू हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द पेंटिंग, टाइप्स नहीं, स्टाइल्स लिखा हुआ, वन इज वॉल, अनदर इज एरिपन, ठीक है। जो वॉल पेंटिंग है ये कोहबर है, कोहबर यानी बेडरूम न्यूली वेड्स का, ठीक है, अनदर वॉज ये बताइए, ठीक है। और ये जो एरिपन में पांचों कॉमन है, हर सारी की जाती हैं, ठीक है, और पांच स्टाइल हैं, ठीक है। तो ये मधुबनी आर्ट फॉर्म जो लेटर डेवलपमेंट्स हैं इसके लिए यूज़ हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। मटेरियल पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस यूज़ हुआ करता था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मटेरियल यूज़ कौन था होता था? मधुबनी पेंटिंग हैज़ रिमेन्ड कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, कॉम्पैक्ट जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज मिथिलांचल, एंड द स्किल हैव बीन पास्ड थ्रू सेंचुरीज, जनरेशन बाई जनरेशन, पिता अपने पुत्र को, पुत्र अपने पुत्र को, इस तरह से। द कंटेंट एंड द स्टाइल
हैव लार्जली रिमेन्ड द सेम, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं इन द आर्ट फॉर्म. ठीक है, दो मीडियम बदल गया है लेकिन चेंजेस, जो बेसिक चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा उभर के नहीं आए. स्टाइल हैव लार्जली रिमेन द सेम. ठीक है, टेक्निक्स बदल गई हैं, टेक्निक्स नहीं बदली, सॉरी, टेक्निक्स आर द सेम. ठीक है, उसी तरह से करेंगे, मीडियम्स बदल गए हैं, मटेरियल्स बदल गए हैं. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा. टेक्निक एंड कलर्स, मधुबनी पेंटिंग्स यूज टू डायमेंशन इमेजिनरी. ठीक है, टू डी इमेज बनाई जाती थी एंड द कलर्स यूज आर ड्रीवन फ्रॉम द प्लांट्स दैट आर नेचुरल. आर्च कलर होता था. आर्च किसको बोलते हैं? आर्च मीन्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बर्न्ड ब्रिक, देखें बर्न्ड ब्रिक, जली हुई ईंट, मतलब पकी हुई ईंट, जली हुई तो नहीं, बर्न्ड ब्रिक जो होती है, बर्न्ड ब्रिक, इसका कलर कौन सा है? तो हल्का सा जो है ब्राउनिश कलर होता है, नॉट रेड, नॉट रेड, बिटवीन रेड एंड येलो. ठीक है, समवेयर बिटवीन रेड एंड येलो. ठीक है, तो आर्च उसी को बोलते हैं जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? गेरुआ, गेरुआ कलर. ठीक, तो वही है. आर्च, लैम्बैक एंड रेड आर यूज टू रेडिश ब्राउन ब्लैक रिस्पेक्टिवली, इसके लिए यूज होता था. कॉम्पैक्ट स्टाइल होती थी. कॉम्पैक्ट स्टाइल मतलब क्या है, दिखाते हैं. सॉरी, ओके, हियर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए. एनीवन, कहीं पे कोई जगह लगी रही है, कहीं खाली है, हर तरह से भरा हुआ है, यानी कहीं भी कोई जगह नहीं है, जहां भी फिल कर सकते हैं हमने फिल किया है. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट स्टाइलिंग होती थी, हर जगह फिल्ड होती थी, बॉर्डर पे ध्यान दिया जाता था, अच्छे बॉर्डर्स बनाए जाते थे. और ये कैसे डिजाइन होती थी बॉर्डर्स की, कैसे डिजाइन होती थी? जियोमेट्रिकल डिजाइन, जियोमेट्रिकल. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएंगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. कॉम्पैक्ट स्टाइल, नो स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी. ठीक है, पूरी पेंटिंग भरी हुई होती थी. एंड द गैप्स आर फिल्ड बाय पेंटिंग्स ऑफ द फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड जियोमेट्रिक डिजाइंस दैट आई अर्लियर टोल्ड यू. ठीक है, टूल्स में क्या क्या यूज होता था? तो निब पेंस and brushes of various sizes are used to draw the outlines of the images. Drawings are filled with natural colors or fabric colors using brushes, twigs, matchsticks and fingers. Traditionally, use of finger was common, but later on, later developments happened. ठीक है, चलिए, okay. Symbols and themes क्या कह रही हैं? ठीक है, क्या क्या, कौन कौन से सिंबल्स, कौन कौन सी थीम्स ज़्यादातर रही हैं, तो आप सबको पता है, रिलेट कर सकते हैं. अगर नहीं भी पता है तो इसका जो ओरिजिन कहाँ से ट्रेस किया जाता है, ओरिजिन फ्रॉम द पीरियड ऑफ रामायण, द मैरिज ऑफ सीता. ठीक है, मैरिज ऑफ सीता. सो रिलीजियस थीम होगी, रिलीजियस होगी, और क्या होगा? रिलीजियस होगी. अभी आपने देखा कि लोकल वीमेंस के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, तो सोशल थीम भी होगी, सोशल लाइफ की. एंड अभी हमने देखा कि जो गैप्स हैं वो बर्ड्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा से फिल किए जाते हैं, तो ये कौन से हो गए? नेचुरल थीम्स हो गए. तो ये तीनों थीम्स मिलते हैं इसमें, ये ध्यान दीजिएगा. तीन इंपॉर्टेंट थीम्स कौन सी हैं? रिलीजियस, सोशल लाइफ एंड नेचुरल थीम्स. ठीक है, डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड दियर एसोसिएशन विद नेचर सीन. ठीक है, एसोसिएशन विद नेचर, नेचर एंड सीन ऑफ डाइटीज फ्रॉम द एंशियंट एपिक्स लाइक रामायणा एंड महाभारता कैन बी सीन इन दीज पेंटिंग्स. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के भी होते थे, तो नेचुरल सीन्स हैं, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक सन, मून, तुलसी प्लांट को ज़्यादातर दर्शाया गया है. आंगन की पेंटिंग बनाई जा रही है तो तुलसी प्लांट को ज़्यादातर दिखाया जाता था. कोर्ट एंड सीन्स ऑफ सोशल इवेंट्स लाइक वेडिंग्स आर ऑल्सो पेंटेड. तो वेडिंग के इसका जो ओरिजिन है वो सीता की शादी से ही मानते हैं. तो सीन ऑफ वेडिंग, जैसे आप कोबर का वो होते हैं, पेंटिंग के स्टाइल का एक नाम है, एक टाइप है, कोबर पेंटिंग.
मिथिला पेंटिंग का ही एक स्टाइल है कोहबर पेंटिंग, जो शादियों में की जाती है। तो ऑब्वियसली वेडिंग सीन तो रहेगा ही। फेमस सेंटर कौन कौन से रहे हैं, ठीक है, फेमस सेंटर कौन कौन से रहे हैं मिथिला पेंटिंग के, तो कलाकृति है दरभंगा में, वैदेही मधुबनी में है, बेनीपत्ती है कहाँ पे, मधुबनी में, एंड ग्राम विकास परिषद रांती में, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द पेंटिंग, ठीक। वो एक थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी ये है कि ये जो इसके पीछे वाला पेज है ये इसके बाद में होना चाहिए था, ठीक है, बट विल डिस्कस दैट, ठीक है। स्टाइल्स ऑफ द पेंटिंग, तो कितनी स्टाइल दिख रही है आपको, पांच दिख रही है, कौन कौन सी, भरनी, या भरनी मीन्स फिलिंग, ठीक है, कच्ची पेंटिंग लाइन आर्ट होता है, तांत्रिक पेंटिंग यानी तंत्रिज्म का होगा, गोदना मीन्स लोग कहते हैं ना गोदना गोदाने जा रहे हैं, टैटू, एंड कोहबर बेडरूम, इसमें बेडरूम ऑफ न्यूली वेड्स, नवविवाहित जोड़ों के बेडरूम में ये पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो दीज आर द फाइव स्टाइल्स, ठीक है। अगर टाइप पूछ लिया तो स्टाइल्स के साथ टाइप जरूरी है, टाइप के बाद स्टाइल्स हम डिस्कस करें। टाइप कौन कौन सी है, तो एक है वॉल पेंटिंग्स, वॉल, और एक है अरिपन, अरिपन कुछ और नहीं है बेसिकली, जो महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में रंगोली होती है वो सेम यही चीज है, ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, रंगोली होती है, ठीक। तो ये भरनी और कोहबर पेंटिंग, दीज आर द भरनी यानी फिलिंग एंड कोहबर पेंटिंग, इनकी रंगोली नहीं बनती है, ये वॉल आर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। बाकी ये जो है इनको दोनों जगह पे किया जाता है, रंगोली की तरह भी ऐसे भी, और ये पांचों आर्ट फॉर्म अरिपन में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, पांचों के पांचों। तो ये इस तरह से इसको आप टाइप में, फिर टाइप के बाद स्टाइल में आप कर सकते हैं। तो इनके नाम से ही इनकी मीनिंग्स को आप जान सकते हैं, जैसे भरनी यानी मीन्स फिलिंग, द आउटलाइंस आर ड्रॉन इन बोल्ड एंड डार्क ब्लैक एंड इमेजेस आर फिल्ड विद ब्राइट कलर्स लाइक रेड येलो एंड ऑरेंजेस, ठीक है, मतलब पूरी भरी हुई कॉम्पैक्ट पेंटिंग होती है। कचनी यानी लाइन आर्ट, इसमें लाइन्स ज़्यादा होती है, एलिबरेट लाइन पेंटिंग्स आर मेड एंड फिल्ड विद क्लोजली ड्रॉन पैरेलल लाइन्स और स्मॉल डॉट्स, द थिकनेस ऑफ द लाइन्स डिपेंड्स ऑन द डिजाइन, मेनली ब्लैक एंड वर्मिलियन कलर आर यूज टू मेक द कचनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। वट इज़ वर्मिलियन, सिंदूर जानते हैं, सिंदूर को वर्मिलियन बोलते हैं, डार्क रेड कलर का, ठीक है, तो ये यूज़ होता है, ठीक है, कचनी पेंटिंग, कचनी यानी लाइट। तांत्रिक में, तांत्रिक स्टाइल में, तांत्रिक टेक्स्ट, जैसे जो तंत्र मंत्र वाले हैं, देवी दुर्गा काली को ज़्यादा दिखाया जाता है, आर फॉलोड द पिक्चर्स ऑफ हिंदू डाइटीज एंड यंत्रा सच एज श्री यंत्र, श्री भैरव यंत्र आर डिपिक्टेड इन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। गोदना, तो गोदने में पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग, यानी रिपीटेड इमेजेस आर अरेंज इन ए पैरेलल लाइंस, कंसंट्रेटिक सर्कल्स और रेक्टेंगल्स टू फॉर्म वेरियस पैटर्न्स, द इमेजेस आर ड्रॉन इन ब्लैक बट सम आर ऑल्सो फिल्ड विद कलर्स, ठीक है। ज़्यादातर गोदना जो हमारे यहाँ गुदाया जाता है वो ब्लैक ही होता है। सम गोदना स्टाइल आर्टिस्ट यूज काउ डंग वॉल्ड हैंडमेड पेपर टू मेक दीज पेंटिंग्स, काउडंग वॉश्ड पेपर, हैंडमेड पेपर होता है, उसको काउडंग से धुला जाता है, फिर उसको लगा के पेंटिंग की जाती है। कोहबर यानी बेडरूम पेंटिंग, न्यूली वेड्स के जो बेडरूम होता है उनका, उसमें ये पेंटिंग की जाती है, और इसमें कुछ जो है कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे सीन्स होते हैं, सेंसुअस नॉट इरोटिक, सेंसुअस सीन्स होते हैं, ठीक है, लाइक किसके, कामदेव एक्सेट्रा, इनकी इमेजेस बनाई जाती हैं, ठीक, यक्ष यक्षिणी एक्सेट्रा, ठीक। तो ये आपके स्टाइल्स ऑफ द पेंटिंग हो गई, ठीक है, अरिपन भी देख लिया हमने, वो भी देख लिया। अब ये देखिए, तांत्रिक
स्टाइल पेंटिंग है, ठीक है, तांत्रिक स्टाइल पेंटिंग है, समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा जो है भयानक चीज़ों को दिखाया गया है। आगे गोदना, ठीक है, यानी टैटू, टैटू, ठीक, आगे बढ़े, देख रहे हैं ज़्यादातर ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है, लाइंस के ऊपर लाइंस के ऊपर लाइंस फाइनली डिज़ाइन की गई हैं। देन कछनी, कछनी मीन्स लाइंस से डॉट से जोड़ा जाता है, ठीक है, अभी इससे पहले डिस्कस हुआ है। इसके बाद भरनी, मतलब पूरी फील्ड है, भरनी स्टाइल, ठीक है, विजिबल है। आफ्टर दैट भरनी के बाद यह है कोहबर स्टाइल ऑफ द पेंटिंग, देख रहे हैं वेडिंग सीन आपको दिख रही होगी, दिस इज, ठीक है, सूर्यदेव मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, शिव शंकर को पार्वती हवा दे रही हैं, ठीक है, ये रति एन कामदेव, ठीक है, तो ऐसे कुछ सीन्स इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक, तो ये पिक्चर्स दे दिया ताकि आपको एक वो उसका पता हो कि कौन सी स्टाइल की पेंटिंग है। ये काफ़ी डिटेल्ड है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना मधुबनी आर्ट फॉर्म पे तो आपका छूटेगा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के साथ इसके स्टाइल्स वगैरह टाइप वगैरह सिम है। ठीक है, फेमस मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले सीता देवी का नाम याद रखें, ठीक है, बहुत फेमस हैं, ठीक है, जगदम्बा देवी, ठीक है, जगदम्बा देवी वॉज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग, सी वॉज अवार्डेड नेशनल अवार्ड इन 1970, बहुत पहले, ठीक है, 1970 सी वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू रिसीव पद्मश्री। तो सबसे पहले मधुबनी आर्ट के लिए पद्मश्री किसको मिला, जगदम्बा देवी को, कब, 1975 में, फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ मधुबनी आर्ट। सीता देवी अर्लीस्ट आर्टिस्ट में ये भी आती हैं, तो जगदम्बा देवी एंड सीता देवी हु स्टार्टेड मेकिंग मधुबनी पेंटिंग ऑन पेपर। ठीक है, तो पेपर पे सबसे पहले सीता देवी उसकी पायनियर हैं, ठीक है, एंड स्पेशलाइज द भरनी स्टाइल ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, सी वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड इन द ईयर 1975, तो देख रहे हैं नेशनल अवार्ड दोनों लोगों को 1975 में मिला है, एंड पद्मश्री अवार्ड इन 1981, तो किसके पास अवार्ड्स ज़्यादा हैं, तो सीता देवी के पास हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये नए आर्ट फॉर्म को जन्म देने वाली भी हैं, मीन्स पायनियर हैं किस फील्ड में, तो एक तो भरनी स्टाइल के लिए और पेपर पे पेंटिंग बनाने के लिए, तो ये पायनियरिंग किस में की है, पेपर पे एंड भरनी स्टाइल ऑफ द पेंटिंग, भरनी फिलिंग ऑफ द लाइन्स, भरनी स्टाइल दो के लिए, ठीक है, इनको दो दो अवार्ड मिले हैं, नाम जरूर याद रखें। गंगा देवी, सी वॉज एक्सपर्ट इन कछनी स्टाइल ऑफ मधुबनी आर्ट, सी वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड इन 1976 जस्ट ईयर आफ्टर, एंड पद्मश्री इन 84, ठीक है। गोदावरी दत्ता नेशनल अवार्ड इन द ईयर 1980, एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन द 2006, ठीक है। सी वॉज ऑल्सो अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन द 2019, तो गोदावरी दत्ता द रिसेंट नेम है, इसको ध्यान रखेंगे, आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। महासुंदरी देवी नेशनल अवार्ड इन 1982 एंड पद्मश्री इन 2011, ठीक है। बहुआ देवी नेशनल अवार्ड इन द 1984 एंड पद्मश्री इन 2017। नेशनल अवार्ड्स किसको किसको मिला है 2020 में, तो चंद्रभूषण जी हैं, अंबिका देवी हैं एंड मनीषा झा हैं। दीज आर द सम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ मधुबनी आर्ट, ठीक है। इनके नाम दो तीन के भी अगर मेंस में लिखते हैं तो एक दो दो तीन के भी नाम लिख देंगे तो दैट इज सफिशियंट, बट अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया तो जगदम्बा देवी, सीता देवी और 2020 वाले जो आर्टिस्ट हैं इनके नाम जरूर याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया, ठीक, अभी ये जो पार्ट हमने बोला था कि वो पीछे छूट गया है, ठीक है, उसको आगे होना चाहिए था, पहले रह गया, वो ज़रूर देखना है। तो आप देख रहे हैं कि भरनी एंड तांत्रिक स्टाइल्स, ठीक है, जैसे ये जो भरनी है, सॉरी, ये जो भरनी आर्ट फॉर्म है एंड कोहबर आर्ट फॉर्म, ये दोनों वॉल आर्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वॉल आर्ट्स हैं भरनी, लेकिन भरनी और तांत्रिक स्टाइल जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, बेसिकली अपर कास्ट की जो वुमेन्स होती थी
वुमेन्स ऑफ अपर कास्ट, वुमेन्स ऑफ अपर कास्ट इनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिए, डन बाई ब्राह्मण वुमेन हु आर अपर कास्ट वुमेन इन इंडिया एंड नेपाल, देयर थीम्स वर मेनली रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस एंड दे डिपिक्टेड गॉड्स एंड गॉडेसेस इन दियर पेंटिंग्स। ठीक है, तो भरनी एंड तांत्रिक स्टाइल ऑफ द पेंटिंग वॉज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाई, ट्रेडिशनली यूज द टर्म ट्रेडिशनली, वॉज ड्रॉन बाई अपर कास्ट ब्राह्मीण वुमेन्स। ओके, एंड सो सीम्स अगर ब्राह्मीण वुमेन्स हैं तो आप इतना तो थिंक कर सकते हो कि द थीम शुड बी रिलीजियस। ठीक है, यही होगा थीम ना, रिलीजियस। वैसे भी तांत्रिक स्टाइल में रिलीजियस थीम ही है। ठीक है, पीपल ऑफ लोअर कास्ट इंक्लूडेड एस्पेक्ट्स ऑफ डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन दियर पेंटिंग्स, सिंबल्स ऑफ डेली लाइफ, स्टोरी ऑफ राजा सहले, गार्ड ऑफ द विलेज एंड मच मोर इन दियर पेंटिंग्स। नाउडेज मधुबनी आर्ट हैज, दिस कुड बी यूज्ड एज कंक्लूजन, नाउडेज मधुबनी आर्ट हैज बिकम अ ग्लोबलाइज्ड आर्ट फॉर्म, सो देयर इज नो डिफरेंस इन द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक अच्छा संदेश भी है कि क्या एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट एलिमिनेशन नहीं, मतलब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे, उसको क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, उसको नेगेटिवेट कर रहा है। दे वर्क इन ऑल फाइव स्टाइल्स। ठीक है, मिथिला आर्ट हैज रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका मिथिला आर्ट फॉर्म था, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसको ढंग से देखें और इनके नोट्स भी बनाना चाहें तो बना लें। ठीक है, मतलब पूरी तरह से कवर किया गया है। अभी हम क्या देखेंगे, मंजूसा आर्ट फॉर्म, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो मंजूसा आर्ट फॉर्म में हमको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, हमने रीज़न बता दिया था। ठीक है, आपको टाइम मिले तो कभी भी बिहुला बिशहरी की कहानी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, सांप काट लेता है, ठीक है, तो पढ़िएगा, थोड़ा सा वो सावित्री वाला स्टाइल है। ठीक है, अब देख रहे हैं सांप काटा नाव में लेके जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर किसके सीन्स मिलेंगे आपको, स्नेक्स के और रिलीजियस। ठीक है, स्नेक्स लगभग हर पेंटिंग में आपको दिखेगा और सन के, सूर्य के। ठीक है, तो मंजूषा आर्ट फॉर्म इज अ पेंटिंग स्टाइल ऑफ बिहार, बिहार भागलपुर रीजन, ईस्टर्न बिहार कह लो, भागलपुर वाला जो क्षेत्र है, एन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। भागलपुर किससे बॉर्डर टच करता है, भागलपुर, भागलपुर किससे करता है, भागलपुर बॉर्डर वेस्ट बंगाल से, और भागलपुर वाले रीजन को क्या कहते हैं, अंगिका, अंगिका रीजन। ठीक है, अंगिका लैंग्वेज भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, बिहार का इसी रीजन की, ईस्टर्न बिहार की। ठीक है, और भागलपुर का एंशियंट इंपॉर्टेंस क्या है, तो भागलपुर अंग प्रदेश, इसका पुराना नाम क्या था, अंग। ठीक है, ठीक, तो इस पेंटिंग से अंगा की थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पता चलता है, अंग रीजन में क्या ज्योग्राफी रहा होगा, क्या वो रहा होगा, इस पेंटिंग स्टाइल से हम रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो वाई दिस पेंटिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, पेंटिंग स्टाइल ऑफ बिहार, ईस्टर्न बिहार मेनली, भागलपुर रीजन, अंगिका रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, दे आर टेम्पल शेप्ड बॉक्सेस, देयर आर टेम्पल शेप्ड बॉक्सेड कंप्राइजिंग 8 पिलर्स। ठीक है, ये देखें टेम्पल शेप बॉक्सेस बनाए गए ना, और इसमें 8 पिलर्स ज़्यादातर लगते हैं। ठीक है, दे आर मेड ऑफ बैम्बू, जूट, पेपर्स। ठीक है, मतलब ये स्क्रॉल पेंटिंग्स भी होती हैं और ऐसी भी होती हैं, तो ये ज़्यादातर स्क्रॉल पेंटिंग्स ही होती हैं, स्क्रॉल मतलब जो टांगी जा सकें। ठीक है, स्क्रॉल पेंटिंग्स। ठीक है, दे ऑल्सो कंटेन पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड अदर कैरेक्टर्स। दीज बॉक्सेज आर यूज इन बिसहरी पूजा, बिहुला बिसहरी पूजा, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ ईस्टर्न बिहार, स्पेशली भागलपुर रीजन। ठीक है, अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू स्नेक गॉड दैट इज सेलिब्रेटेड इन भागलपुर, अंगिका रीजन एंड नियरबी रीजन ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट विच पेंटिंग, मंजूसा आर्ट फॉर्म, थोड़ा सा और देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मंजूसा पेंटिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेंटिंग स्टाइल। ठीक है, व्हाई दिस पेंटिंग स्टाइल इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज एन एंशियंट एंड
हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म ऑफ भागलपुर रीजन बेसिकली बिहार ऑफन रिफर टू स्नेक पेंटिंग्स, ठीक है सॉरी, अब भागलपुर बिहार ऑफन रिफर्ड एज एन स्नेक पेंटिंग बाई फॉरनर्स, क्योंकि इस पेंटिंग में कहीं ना कहीं आपको स्नेक्स दिखेंगे, ठीक है, वो बहुत कॉमन है। एज स्वर्लिंग स्नेक्स इन दीज द आर्टिस्ट डिपिक्ट इन द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द बिहुला टेल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, बिहुला विषहरी की कहानी जरूर पढ़िए, आपको पेंटिंग समझ में आ जाएगी। वैसे ही दिस आर्ट फॉर्म रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अंगा महाजनपदा ऑल्सो, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमने पहले बताया था अंग महाजनपद, ठीक है। एंड अब क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, अगर यही पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो जानना चाहिए ना। तो बेसिकली तीन कलर यूज होते हैं, विच दे आर थ्री बेसिक कलर्स, पिंक ग्रीन एंड येलो, ठीक है। बॉर्डर्स पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, बॉर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मंजूषा आर्ट फॉर्म, लाइन ड्रॉइंग आर्ट है, ज़्यादातर लाइंस बनाई जाती हैं, फोक आर्ट है वो तो सबको पता है। मंजूषा आर्ट इज अ टाइप ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। मंजूषा आर्ट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फोलक्लोर ऑफ बिहुला विषहरी, तो इसको एक बार आप जरूर विकिपीडिया करें। इन मंजूषा आर्ट कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड एज एक्सलेटर, तो कैरेक्टर्स को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, एक्सलेटर ऑफ इंग्लिश के, मतलब ऐसे किसी को बनाया, ऐसे बना दिया, देख रहे हैं ना, ऐसे बनाया, ये पर्सन बन गया, तो एक्सलेटर ऑफ इंग्लिश से डिपिक्ट किया जाता है कैरेक्टर्स को इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है। मोटिव्स क्या क्या होते हैं, तो स्नेक के, चंपा फ्लावर, सन मून, एलिफेंट, टर्टल फिश, मैना बर्ड, कमल, ठीक है, कलश, एरो, कलश पॉट होता है ना मिट्टी का, अदन पॉट, शिवलिंग, ट्री एक्सेट्रा, तो ज़्यादातर नेचुरल ही है मोटिव्स। द मोटिव्स ऑफ मंजूषा आर्ट आर इंस्पायर्ड बाई रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स ऑफ अंगा रीजन, अंग वाले क्षेत्र के सोशल और कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ से इंस्पायर्ड होते हैं सारे मोटिव्स, ठीक है। कैरेक्टर्स लॉर्ड शिवा, मनसा देवी, जिनको विषहरी भी कहते हैं, मनसा देवी विषहरी, ठीक है, बिहुला, ठीक है, बाला, हनुमान, चंदू, सौदागर, ठीक है। तो ये आप जब स्टोरी पढ़ेंगे बिहुला विषहरी का, तो ये सारी कैरेक्टर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बॉर्डर्स में बेलपत्र, लहरिया, ट्रायंगल, मोखा और सीरीज ऑफ स्नेक्स लगाए जाते हैं इस पेंटिंग के। तो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्सनैलिटीज एंड अवार्ड्स, तो लेट चक्रवर्ती देवी, ठीक है, अवार्डेड विद सीता देवी अवार्ड 2012 में, ठीक है, श्रीमती निर्मला देवी बिहार कला अवार्ड और सीता देवी अवार्ड 2013 में। फर्स्ट स्टेट अवार्ड किसको दिया गया, श्री मनोज पंडित को फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्ट फॉर्म मंजूषा आर्ट, ठीक है, रिवाइवल के लिए इसको। दिस अवार्ड इज गिवन बाई उपेंद्र महारथी शिल्प अनुष्ठान संस्थान एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट बिहार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, अवार्डेड मंजूषा कला गुरु अवार्ड टू श्री मनोज पंडित, तो मनोज पंडित का नाम जरूर रखें, इनको कई अवार्ड मिले हैं। 2016 में उलूपी झा इज वन ऑफ द 100 सक्सेसफुल वुमेन अक्रॉस द कंट्री सेलेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन वोटिंग ऑफ हर मंजूषा पेंटिंग, तो उलूपी झा का भी नाम याद रखें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मंजूषा आर्ट फॉर्म, ठीक है। अभी हम देखेंगे द वेरी फेमस एंड एंशियंट आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार, एंशियंट आर्ट फॉर्म, ठीक है, दैट इज टिकुली। तो जो लोग भी ईस्टर्न यूपी एंड बिहार से हैं उनको टिकुली का मतलब तो पता होगा, टिकुली मीन्स द बिंदी दैट वुमेन वोर ऑन देयर फॉरहेड, ठीक है, टिकुली वही है ना, ये यहाँ पे जो लगाई जाती है, ठीक, यहाँ पे दिस इज टिकुली, ओके। टिकुली इज अ टाइप ऑफ हैंड पेंटिंग एंड हैंड पेंटिंग एंड हैंड क्राफ्ट, बेसिकली क्राफ्ट होता था, बाद में इसको पेंटिंग में भी डाला गया, ठीक है, एंड इट्स हिस्ट्री स्प्रेड ओवर 800 इयर्स। तो हमने बताया था इससे पहले कि इट फ्लरिश्ड
मुगल इरा में, ठीक है। टिकुलीजी टाइप ऑफ हैंड पेंटिंग बता दिया। ओरिजिन इसका जो मेन सेंटर है कहाँ पे, पटना एंड बिहार, ओरिजिन ही यहीं है, ठीक है। जैसे दाना उनापुर वाले जो प्रोमिनेंट सेंटर हैं, ठीक है, तो ओरिजिन में पटना बिहार, ठीक है। टिकुलीज टर्म दैट इज लोकली यूज फॉर बिंदीज विच आर इसेंशियली कलरफुल डॉट दैट वुमेन वियर एज एसेसरीज बिटवीन दियर आईब्रोज, ठीक है। द बेसिक रॉ मटेरियल यूज इन टिकुलीज क्राफ्ट इज द MDF, ठीक है, बोर्ड एंड कलर्स, ये सारी चीज़ें MDF के बोर्ड और उसके ऊपर कलर लगाया जाता है, तो वही बेसिक मटेरियल होता है और लेसेस लगते हैं और थोड़ा सा कुछ चिपकाने के लिए होता है। दिस इज यूनिक प्रोडक्ट दैट हैंडक्राफ्टेड बाई आर्टिजन्स। दिस क्राफ्ट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड सपोर्ट ओवर 300 to 400-500 आर्टिजन्स फैमिलीज ऑन रेगुलर बेसिस इन दीघा, दानापुर, गाईघाट, मोहल्ला और पटना टाउन, ठीक है। 400 से 500 परिवारों को रोजगार देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिकुली आर्ट फॉर्म इसका रिवाइवल किया जा रहा है, इसलिए ये करंट की न्यूज़ है। बैकग्राउंड क्या है, तो विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश राज, टिकुली आर्ट फेस्ड सीवियर ब्लो, ठीक है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिजिनस गुड्स केम टू बी रिप्लेस्ड बाई चीप मशीन मेड गुड एंड द ब्लो वॉज ऑल्सो फेस्ड बाई दिस आर्ट फॉर्म, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ टिकुली आर्टिजन्स वर लेफ्ट जॉबलेस एंड मशीन मेड बिंदीज केम into the market and Tikuli art was lost in the kiosk, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द Tikuli art form, ठीक है। सॉरी, हमने द रिवाइवल ऑफ दिस आर्ट फॉर्म कैन स्लोली बी एट्रीब्यूटेड टू टू आर्टिस्ट, कौन कौन है भैया, दीज आर इन 1954 चित्राचार्य पद्मश्री उपेंद्र महारथी सिंगल हैंडेडली टूक ऑन द इनिशिएटिव ऑफ रिवाइविंग दिस आर्ट फॉर्म। ही गॉट द आइडिया ऑफ पोर्ट्रेइंग टिकुली आर्ट ऑन ग्लेज्ड हैंडबोर्ड ड्यूरिंग हिज स्टे इन जापान वेयर आर्टिस्ट वेयर कॉमर्शियली सेलिंग ट्रेडिशनल मोटिव्स ऑन कलरफुल हैंडवोर्ड्स, तो उनको देख के ये भी इंस्पायर्ड हुए, तो इन्होंने काफ़ी इसमें काम किया है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, ठीक है, वो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक। नाउ तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम क्या करेंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कल की वीडियो में आपके वो पार्ट्स कवर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दिस इज बिलीव मी दिस विल बी हेल्पफुल, ठीक है, इन योर मेन्स एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आप जब बैठेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ कितने क्वेश्चंस बारीकी से पास से गुजर रहे हैं। तो पूरा वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।